उज्जैन की ईडब्ल्यूओ की टीम द्वारा तालाब निर्माण योजना के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया। उज्जैन ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी कार्यवाही की है। दरअसल मामला देवास जिले का है। यहाँ लघु एवं सीमांत कृषकों के हित में सिंचाई व्यवस्था तथा वर्षा के जल के संचय हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा बलराम तालाब योजना का प्रारंभ वर्ष 2010 में किया गया था। बलराम तालाब योजना के अंतर्गत देवास जिले में वर्ष 2011 से 2015 के मध्य 2037 बलराम तालाबों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। यहां हितग्राहियों ने अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया। करीब 361 तालाब कागजों पर ही दर्शा दिए। मामले में शिकायत हुई जिसमें उज्जैन ईओडब्ल्यू ने शिकायत को सही पाया। भौतिक सत्यापन पर देवास जिले के टोकखुर्द, सोनकच्छ तथा विकासखंड देवास में कुल 361 बलराम तालाबों का निर्माण नहीं किया गया, जबकि उक्त 361 तालाबों के अनुदान राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया जाना पाया गया है। इस प्रकार कृषि विभाग जिला देवास के तत्कालीन अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विकास खंड टोकखुर्द देवास व सोनकच्छ के हितग्राहियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक अनुदान की कुल राशि करीब 3 करोड़ रुपयों की शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। जांच पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं हितग्राहियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संशोधित धारा का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर दिनांक 21 सितंबर 2020 को थाना ईओडब्ल्यू में आरोपी के विरुद्ध 2 अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। जो बलराम तालाब निर्माण योजना है वो राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही थी वर्ष 2010 से, और इसमें स्कूल में जो भ्रष्टाचार के संबंध में एक शिकायत ईओडब्ल्यू को प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में इसमें जांच की गई, और जांच में जो तथ्य थे वो प्रमाणित पाए जाने पर 2 प्रकरण इसमें कायम किए गए हैं, अपराध कायम किए गए। और बलराम तालाब योजना जो देवास जिले से संबंधित एक पूरा मामला है, और जिसमें जांच पर पाया गया कि 361 जो बलराम तालाब थे वो फर्जी तरीके से बता करके उनकी राशि लगभग 3 करोड़ के आसपास राशि है जो शासन की राशि निकाली गई, उसका दुरुपयोग किया गया और इसमें भ्रष्टाचार किया गया, जिसके संबंध में कृषि विभाग के अधिकारी और संबंधित अन्य जो विभागों के अधिकारियों के खिलाफ इसमें ईओडब्ल्यू द्वारा आपराधिक प्रकरण कायम करके इसकी विवेचना की जा रही है। बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग रैंक के ऑफिसर इसमें शामिल है, और एक कृषि विभाग के मूल रूप से इसमें शामिल है, और इसमें जो भी अन्य अधिकारी उनकी भूमिका अगर इस प्रकरण में पाई जाएगी तो उनको भी आरोपी बनाकर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।